हाय यूट्यूबर साइनिंग इन, कैसे हो आप सब? मैं अभी एक छोटा सा काम है मैंने यार निपटा दिया है, वो इसके बाद अब चलते हैं सीधा रजनी ऑफिस होगी अपने, वहां चलते हैं। पूछो ना फिर डेट आ जाएगी, वो क्या करेंगे मेरे को? आप क्या लिखो रिप्लाई में कि बनवा चुके हैं, बनवा रहे हैं? बनवा रहे हैं। आ गए। हाँ जी, हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक, थोड़ा सा काम है मुझे ICICI बैंक के अंदर। और काम क्या है, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ इनसे, पता नहीं मेरे किस चीज़ के पैसे कट रहे हैं, कौन सी पॉलिसी कर दी है इन्होंने, मैंने तो ली भी नहीं है भाई। तो पता करते हैं कुछ गलत फहमी हुई है हमें या सच में कुछ किया है, और कुछ अगर सीरियस होगा तो आपसे शेयर करूँगी, बताती हूँ आपको। अभी चलते हैं फटाफट। ट्रैफिक एक ऐसा भी कोई फीचर होना चाहिए इन गाड़ियों के अंदर ना, कि ट्रैफिक भी खत्म हो जाए, हवा में उड़ के अंदर घुस के जमीन में निकल जाए कहीं और। हैं? कुछ नहीं। ब्रीजा, तुझे क्या लग रहा है लड़की क्यों रुक गई है ऐसे, क्या सोच रही है? ये टेंशन नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहती है। टेंशन फ्री होके सारी दुनिया को टेंशन दे दी उसने, ऐसी रोक दी गाड़ी जामनगर। अरे पता है एक बार मैंने वो देखा था एक आर्टिकल, उसमें क्या था, बहुत सारी फोटोज थी जिसमें बहुत बड़े बड़े जाम लगे हुए थे, और फिर वो रीजन शेयर कर रहे थे कि किस रीजन से ये जाम था, वो इतने स्टूपिड रीजन थे ना। मुझे मिलेगा ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि इतने खतरनाक जाम, पुलिस भी दुखी हुई है सब, और रीजन क्या है कि भैया यहाँ पर एक आदमी ने साइकिल वाला ऐसे ही अपना फंस गया, बस वो ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, पूरा ट्रैफिक को उसने फंसा दिया है, या कोई गाड़ी वाला बहुत स्टूपिड हरकत करके खड़ा हुआ है। तू मत कर यार ऐसा कुछ। भैया वो देख क्या है इसका, क्या है वो? टर्निंग रेडियस देख कैसा दिख रहा है। ओ बाइक कितनी गर्मी हो गई ना, हद से ज्यादा गर्मी। ट्रिप प्लान करें कहीं का? हाँ यार मेरे को जाना है। कहाँ? मेरे को गोवा जाना था बहुत टाइम से, तो चल गो। आप लोगों के साथ हमने बात की थी वैष्णो देवी की, वैष्णो देवी चलेंगे लेकिन वो अप्रैल के अराउंड, मार्च एंड या अप्रैल में बनाएंगे। अभी तो मेरे को मन है गोवा जाने का, आप लोगों के साथ वाला ट्रिप डन है मेरा, पक्का चलूंगी। ये वाला ट्रिप मुझे एक और करना है। आप बताइए यार कहाँ जाएं, क्योंकि मुझे गोवा का बहुत मन है, लेकिन इस टाइम पर टेम्परेचर ठीक होगा यार, अभी तो प्लेजेंट होगा बड़ा ना, बीच का सा मौसम। हाँ 27-28 डिग्री के अप्रोक्स होगा, चलते हैं। अच्छा, जो जो लोग गोवा घूम के आए हैं, वैसे मैं बहुत बार गई हूँ लेकिन हर बार एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है वहाँ का, मुझे बताना वहाँ पे कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से क्लब्स हैं जो हमें मिस नहीं करने हैं, ज़रूर जाना है, या दिल्ली टू गोवा का जो ये पूरा रूट है इसमें क्या चीज़ हमें मिस नहीं करनी है। तो हम लोग दिल्ली से जाएंगे या फिर जयपुर से जाएंगे, जयपुर में कुछ काम है मुझे, तो बीच में जो भी चीज़ आती है आप मुझे बताना कि क्या क्या चीज़ें हमें और घूमनी है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, और फिर गोवा में तो मज़े करने ही। बहुत दिन हो गए ठंड में कांपते ना, थोड़ा गर्मी सी में चलते, गर्मी है तो भी अच्छा है। कैसे हो गया लाल पूरा? क्या इसकी लाइटिंग एम्बिएंट? यस, ये तो ऑन ही नहीं हुई अभी। अरे हाँ, किधर यार, ये तो तगड़ी चीज है। गाड़ी से करीब मामला। यस, कौन बोला भाई साहब, कितना बड़ा एप्पल कार प्ले है वो तेरी। यार आईफोन चाहिए मेरे को। हाँ फोन डन है, लेकिन पहले ये बताए जो फोन लेके बैठा है इनका क्या करेगा? क्या जो फोन लेके बैठा है इनका क्या करेगा? अरे मेरे पास का है फोन, ये रहा, एक ये नीचे देखो इसके पैर में रखा हुआ है, और जिससे ये शूट कर रहा है इस टाइम पर, ये भी नोट लेके बैठा हुआ है लेटेस्ट वाला, तो शर्म कर ले कुछ, हमेशा दूसरों की चीजों पे नजर है तेरी। अरे चल बदली कर ले, मेरे को नहीं करना। कहां गया बैंक, कहां गया? एक मुंडी नहीं है इसकी, मुंडी यही है, घुस जाओ नीचे का। हां जी, ब्रेड मल्टीग्रेन पनीर टिक्का। अच्छा बता तेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है इन सब में से? मेरी इन सब में तो तुझे अगर खाने का मौका मिले एक सारा दिन, तुझे सिर्फ वही खाना है, तो क्या खाएगा? मैं सबसे महंगा कौन सा है? अबे महंगा का टेस्ट ही देखते हैं ना लायक। मैं खीरा खाऊंगा। मैं भी खीरा खाऊंगी।
और ये ऑलिव्स खाने हो तो ये तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऑलिव। मैं तो मरता हूँ इनके लिए, कड़वे से लगते हैं, कड़वे ही होते हैं। थोले वाला बना रहा हाँ बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अगर ये मतलब ये अगर ये लड़की मतलब कोई नाम होता है इन सब का, इनकी इमेज को देखते हुए तो क्या क्या नाम होता? शिमला मिर्च का क्या नाम होता? मरियल। पतली पतली लग रही है। प्याज का चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी दोनों में बेच देना। हाँ जी ऑल। खीरा कुछ ज्यादा ही शरीफ, गोलू मोलू है ऐसा, गोभी ऐसा लगती है ना ये लेटस जैसे कि खुद बहुत ज्यादा खुश है, खिली खिली सी है। टमाटर रोंदू नहीं, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है टमाटर। मतलब ये सब्जियां 50 रुपए की सब्जी होंगी इसमें? नहीं है, 20 रुपए की, 10 रुपए की है। 10 रुपए के कुरकुरे खा लेते हैं सच्चा। एक तो खा रहे हैं ऊपर से उनकी बुराई सुन के उनके मुंह और उनके मुंह पे खड़े हो गए भैया, सॉरी सॉरी। आपका सब बहुत बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। 3 रुपए की प्याज गई, 3 रुपए का आलू और टमाटर। इसे क्या कहते हैं बताओ? हैलपीनो। हैलपीनो ना, स्पेलिंग जलपीनो वैसे हैलपीनो। राइट, यस हो गया, बन गया बन गया बन गया। बस 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 50 रुपए का माल तैयार है, 500 रुपए में खाओगे तुम। ठीक है, एक ये ओटमील रेजिन भी दे देना। हाँ ये 10 रुपए की, इसको 100 की देना भाई। नहीं नहीं नीचे नीचे जूस है, जीरो कैलोरीज। एक ये भी दे देना, लाल नहीं पीला ले ले। नहीं नहीं लाल। अच्छा बता सबसे पहले हम क्या खाएंगे? ये देखिए मास्क कैसे रखने की सही जगह है। देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी सारी चीजें हैं, कुछ नहीं है इसमें। यार इसको खा लेती हूँ पहले मैं, प्लीज टूट मत करे, बड़ा सारे मुंह पे लग जाएगा थोड़ी देर में। ये वायर टूट गई। ओ लाना ही पड़ेगा, चांस क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चल तू ले के आ, मेरा तक एक दो इंपॉर्टेंट कॉल्स है वो कर लेते। ये जतिन है, हाय जतिन। ये यार ये देख क्या हो गया, ये मेरा वो है, वो कहते हैं ना उसे फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ। कोई प्रॉब्लम आती है ठीक कर दे। ये आ गया अडैप्टर, इसकी वारंटी भी होती है 6 महीने। इस चीज़ की तो वारंटी नहीं होगी, नहीं ब्रेकेज की। किस कशमंजस में पड़ी है? कशमंजस असमंजस में। यार, मैं सोच रही थी कि हम लोग गोवा जाने का, मैं आपको कह रही थी, लेकिन नहीं गोवा कैंसिल करते हैं, लेट्स गो भूटान। भूटान चलते हैं, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, उस कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा इंडिया से बाहर भी निकलते हैं और भूटान घूम के आते हैं। बहुत प्यारी जगह, पसंद आएगी आप सब लोगों को। प्लान करती हूँ जल्दी, आई थिंक इसी मंथ के एंड में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में बनाती हूँ। और ये ट्रिप हम बाय रोड करेंगे, बाय X7 करेंगे, भूटान बाय X7। बहुत मज़ा आने वाला है। साइज में क्या कर दिया इतनी बड़ी टूं 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 हर जगह से, टेंशन होती है इसको मोड़ नहीं अपने आप में। भाई हट जा भाई प्लीज, बड़ी मुश्किल से लाए यहाँ तक। प्लीज दोस्त प्लीज हमें जगह दे दो। खोल दो जी, तुम्हारी गाड़ी है। कहाँ? बीच में छोड़ दें? यहीं छोड़ दें, बीच में तो छोड़ देंगे हम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो बहुत इजी है। बीच में तो हम कहीं पे भी खुश होके छोड़ेंगे। जगह तो है बट ये अब इसमें लग नहीं सकती ना बैग, ओके बड़ी लंबी इतनी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गाड़ी पे कोट करा लें, सेरेमिक कोटिंग। या मुझे कोई कह रहा है कि सेरेमिक किसी काम की नहीं है। मैम देखो आप ये ना बेसिकली क्या है, मैं समझाता हूँ आपको, गाड़ी दिखा सकता हूँ नीचे, ठीक है। कोटिंग कराने से क्या होगा, इस पे एक लेयर आ जाएगी जो आपको गाड़ी वो कोई कह रहा है कि 2-3 बार वॉश होगी तो सब खत्म? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। कितने साल का उसका हुआ है? मैम उसमें देखो हमारे पास 1 ईयर का पैकेज है एंड 3 ईयर्स का पैकेज है। 3 ईयर वाला कितने का है? वो आपको कॉस्ट करेगा, एक्चुअल कॉस्टिंग 75 है, बट आपने न्यू गाड़ी बाय की है तो आपको 64 में आपको लास्ट 64 में दे दूंगा। मैं आपको कॉल करके राजीव से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है मैम, ठीक है। और आप किसी और गाड़ी पे भी, जरूरी नहीं कि हम आप BMW आप पे, अगर आप जैसे सर ने बताया ऑडी है या कोई पुरानी गाड़ी है तो उसको भी न्यू जैसा अगर शेप देनी है तो यू कैन जस्ट कम टू अस। और कितना टाइम लगता है मैम? आज मॉर्निंग में आप गाड़ी देंगे तो कल इवनिंग तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा कल इवनिंग तक मिलेगी। और हम प्रोडक्ट जर्मनी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं,
So we have a separate team. I hope you will give us a chance to serve you again, ma'am. Give me some time to think. Sure, ma'am. Sure. तो क्या कहना चाहता है, इस कार का सिस्टम अच्छा नहीं है? कॉपीराइट आ गया? नहीं आया, गए हम काम से। अब हमें नहीं छोड़ेंगे यार, ये यूट्यूब वाले में नहीं छोड़ेंगे, मैं पता रही तुझे। नहीं बचे हम, हमें कोई नहीं बचा सकता। शर्मा जी मेरे जानकार है, यूट्यूब में मैनेजर है, और वैसे भी माइक यहाँ पे रखा है, आवाज भी नहीं आ रही होगी। ये पागल हो चुका, मुझे भी कर देगा। अरे शर्मा जी मेरे जानकार। कौन है शर्मा जी? मैनेजर है, क्लर्क है यूट्यूब में। 500 रुपए लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो बढ़वा दे व्यूज, सब्सक्राइबर और लाइक डिसलाइक सब बढ़ा दे, जो भी बढ़ सकता है सब बढ़ा। उसके लिए द्विवेदी जी के पास जाना। दिग्गी, अच्छा बता दिग्गी कौन है? पता नहीं। अब दिग्गी नहीं पता? जानना भी नहीं है मुझे, चुप रहे। अब दिग्गी नहीं पता तुझे? अब हमारे पर केस हो जाएगा, मुझे पता है वैसे भी। वहाँ भी मेरे जानकार है, वहाँ का जो क्लर्क है ना। कहाँ के क्लर्क? वहाँ कोर्ट का। यार मैं क्या है, तेरे ऊपर तो केस ही चल रहा है, तो क्रिमिनल है भाई, ये बेल पे छूटा हुआ है। चलो दोस्त अब चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल। और जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं और बाई एनी रीज़न के पर हम लोग मिल नहीं पाते हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे बिल्कुल भी। आप हमें मेल करते हैं, हम बिल्कुल हर मेल को पढ़ते हैं आपके। जो हमारा प्लान है वैष्णो देवी का, वो फुल ऑन इन है, वो प्लान बिल्कुल हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। अप्रैल में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लोग वैष्णो देवी का सीन बना रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं। जिन लोगों को भी हमारे साथ चलना है, आप सबको प्रोसेस बताऊँगी मैं वन बाय वन स्टेप में। तो आपके नंबर लेने हैं या आपसे हमें मेल करवाना है, इंस्टा पे कनेक्ट करेंगे, लाइव आके करेंगे, जो भी चीज़ें, थोड़ा सा उसके लिए टाइम दो मुझे, सारा प्लान आउट करती हूँ, आती हूँ आपके साथ दोबारा। और बहुत इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, धमाकेदार ट्रिप इन्जॉय करने वाले हैं। अभी के लिए मैं अपना एक ट्रिप करूँगी और वहाँ से आके फिर हम लोग चलेंगे सब वैष्णो देवी, ठीक है? तो चलिए, बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा ध्यान हाँ, बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और हद से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहना है। लव यू ऑल, बाय।